What happened? Babes, मैं समझ रही हूँ प्रीता शायद राजवीर से कनेक्टेड है और राजवीर के थ्रू वो तुझे इस घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैसे सबसे छिपी हुई क्यों है और सबके सामने क्यों नहीं आ रही। जो मर्जी रीजन हो, मेरे लिए तो अच्छा है ना कि वो घर वालों के सामने जितना ना आए उतना अच्छा है। वो तो है, बट वो एटलीस्ट शौर्य से तो मिले ना। अरे उसका अपना बेटा है शौर्य, वो उससे क्यों नहीं मिल रही है और उसे सब कुछ बता क्यों नहीं रही है। I don't know. Babes, I'm very sure. आज रात प्रीता इस घर में जरूर आएगी। क्यों? ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? Come on, babes. काव्या प्रीता की बेटी है। आज प्रीता की बेटी का रोका होने जा रहा है। प्रीता आकर ही रहेगी। क्या बात है? मेरी गुड़िया ऐसे स्माइल क्यों कर रही है? आप इतने प्यार से मुझे देख रहे हो ना, तो बस प्यार आ रहा है आप पर, क्योंकि आज मुझे तुझ पे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। न जाने किसने ये प्रथा बनाई कि लड़कियां पराई होती है, शादी के बाद अपना मैका छोड़ के ससुराल चली जाती है। उनका असली घर उनका मैका नहीं ससुराल होता है, लेकिन ये लड़कियां ही तो होती है जो अपने ससुराल की दहलीज और मैके की दहलीज को जोड़ के रखती है। लेकिन आजकल जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। जिन प्रथाओं से लड़कियों को बंधन में बांध के रखा जाता था, वो बंधन बदल रहे हैं। तो ये बंधन भी तो बदल सकता है ना कि शादी के बाद लड़की कहीं दूर अपने ससुराल में जाके रहती है, नजदीक क्यों नहीं रह सकती, बिल्कुल अपने मैके के घर के सामने, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, और लड़के के घर वाले उनका क्या? वो भी उसी घर में रहेंगे ना। बिल्कुल, जहाँ लड़की रहेगी उसी घर में, लेकिन उसके मैके के घर के सामने। उससे क्या होगा, लड़के और लड़की को आपस में प्राइवेसी भी मिल जाएगी। वो आजकल के जमाने में क्या कहते हैं, मी टाइम। तो तुझे और वरुण को वो मी टाइम भी मिल जाएगा और हम दोनों परिवारों के बीच में प्यार भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि नजदीक रहेंगे, आमने सामने रहेंगे, तो आते जाते तो टकराना होगा ही। और इस बहाने मैं रोज अपनी गुड़िया का चेहरा देख तो पाऊंगी। ओएमजी, बड़ी माँ अब कितने स्वीट हो, पता नहीं मुझे इतनी स्वीट बड़ी माँ कैसे मिल गई। तू ना बातों पे तो बिल्कुल करण पे गई है। अच्छा एक बात बताओ ना बड़ी माँ, मैं पापा जैसी हूँ या मामा जैसी, मतलब ज्यादा किसके जैसी हूँ? बातों में तो बिल्कुल करण पे गई है, लेकिन सूरत और सीरत से बिल्कुल प्रीता पहला। बचपना तो करण जैसा है, लेकिन समझदारी प्रीता जैसी है। डिट्टो प्रीता। देख, तूने मुझे बातों में लगा दिया ना, मुझे मम्मी जी के लिए साड़ी निकालनी थी। अब तू बिल्कुल रेडी शेडी हो जा, थोड़ा सा मेकअप टचअप कर ले, फिर मिलते हैं। किसी की बुरी नजर मेरी गुड़िया को ना लगे। I love you. बातों में तू बिल्कुल करण पे गई है, लेकिन सूरत और सीरत से बिल्कुल प्रीता पे। बचपना तो करण जैसा है, लेकिन समझदारी प्रीता जैसी है। डिट्टो प्रीता।